जी की और तमाम जिन सब लोगों ने दिनेश बोगड़ा जी, मनोज ध्याने जी, सकलानी जी, तमाम ट्रांसपोर्टर हमारे भाई लोग बैठे हैं, सभी की बात पे मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि आपने एक आवाज उठाने का काम किया। मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ कि अभी एक ठेकेदार हैं, यहाँ कहीं गुल्लर की साइड में रेलवे में काम कर रहे हैं, बाहर पंजाब के ठेकेदार हैं, वो अपने एक रिश्तेदार को कह रहे थे कि उत्तराखंड के लोग बिल्कुल इतने, या तो गौ कहेंगे या दूसरी भाषा में आप समझ सकते हो क्या कहेंगे, इतने शरीफ हैं कि हम करोड़ों करोड़ों का काम यहाँ पे कर रहे हैं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। हमने जम्मू कश्मीर में कह रहे, मैं जब काम करने गया तो जम्मू कश्मीर से मुझे भगा दिया गया, सारे लोग इकट्ठे हो गए कि लोकल लोग काम करेंगे। और यहाँ आज रेलवे विकास निगम में अगर जाएंगे तो ड्राइवर भी बाहर से आके चला रहा है गाड़ियाँ। हमारा कोरोना काल में ड्राइवर भी बेरोजगार हो गया, सारे लोग बेरोजगार हो गए, ट्रांसपोर्टर बेरोजगार हो गए, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाने वाले थे वो भी बेरोजगार हो गए। फायदा क्या हुआ उस चीज का? लेकिन हम सब लोग जब एक मुट्ठी में होकर बनेंगे, आपके मैं साथ हूं, तन मन धन से जैसा आप कहोगे, जिस तरह का आप निर्देश करोगे, हमारी जहां जिम्मेदारी बांधोगे हम साथ में। लेकिन मैं आपको बताऊं, ट्रांसपोर्ट की राजनीति करने से हमको डर क्यों लगता है? इसलिए भी डर लगता है कि इससे पूर्व जब हम लोग ओवरलोडिंग रुकवाने के लिए जा रहे थे, गजेंद्र नेगी जी भुक्त हो गए और भी बहुत सारे लोग भुक्त हो गए हैं, तो वो ये अकेले ही फंस गए थे, इन पे मुकदमे दर्ज हुए, गाड़ी वाला कोई खड़ा नहीं होता है। गाड़ी वाला बोलता है मोटर मालिक, चालक पर चालक भी आए, चालक पर चालक बोलते हैं हम क्यों जाए भाई, मोटर मालिक चलेगा जो कुछ चलना है। अरे कहीं ना कहीं एक चैन हम सब लोगों की आपस में एक चैन है, हम सब लोगों को एक मुट्ठी होकर काम करना चाहिए। डोईवाला यूनियन में देख लिया कितनी पावर है, और जगह केवल ऋषिकेश में ही क्यों ऐसा हो रखा है? इसलिए ट्रांसपोर्ट यूनियन में काम करते हुए डर इस बात का लगता है कि पीछे से कोई खड़ा होने का काम नहीं करता। सब लोग बोलते हैं जी हाँ जी भगत सिंह पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर पे पैदा हो। सब लोग कहते हैं कि जी आप चलो, आप चलो, हम आपके साथ हैं, लेकिन ये बात भी उन्होंने कही कि हम पेड़ के नीचे बैठ के टाइम पास कर सकते हैं, लेकिन जब कहीं हमें किसी गाड़ी को रोकने की बात होगी, जब किसी अवैध रूप से चल रही गाड़ी को रोकने की बात होगी, तो कहेंगे पदाधिकारी जाएंगे जी हम क्या करें। अरे नेता भी तो तभी है जब पीछे से जनता है, पदाधिकारी भी तभी है जब यूनियन है पीछे से, पदाधिकारी नहीं है तो उस यूनियन का कुछ भी नहीं है। तो मेरी आप सबसे विनती है, जिस तरह से आप एक मुट्ठी में यहाँ पर बैठे हैं।